नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कार अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। यदि आपके घर में भी हमेशा पति और पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी में हमेशा अनबन रहती है, पति आपकी बातों को इग्नोर करता है, वो आपसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता है, बात बात में लड़ाई झगड़ा करता है, हमेशा आपके घर में कलेश रहता है, तो दोस्तों आप ये छोटा सा उपाय करके आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखी और खुशहाल बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। दोस्तों आपको करना क्या है, जैसा आप सभी को पता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो आज 10 जून और कल 11 जून इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन आप व्रत रख सकते हैं। ये निर्जला एकादशी है। इस एकादशी का व्रत रखने से आपको पूरे साल का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से ऐसे में आपको निर्जला व्रत रखना है। उसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है और उसके अंदर आपको थोड़ा सा हल्दी और एक चम्मच दूध डाल देना है। उसके बाद आपको ये तुलसी माता के ऊपर इस जल को चढ़ा देना है और वहाँ पर आपको 3 फूल लौंग, टूटी लौंग ना हो, जिसमें फूल हो वो लौंग लेकर आपको तुलसी माता से ये कामना करनी है कि मेरा पति मेरे वश में हो जाए। आपको 7 बार बोलना है। उसके बाद आपको लौंग को तुलसी माता के पेड़ के पास दबा देना है और तुलसी माता के पेड़ के ऊपर आपको हल्दी लगा देना है। उसके बाद आपको तुलसी माँ की 7 बार परिक्रमा करना है। तो देखेंगे किस तरह से आपके घर में सुखी और खुशहाली आ जाएगी। आपका पति आपकी कही हुई हर बात को मानेगा, आपको कभी भी इग्नोर नहीं करेगा, ना ही आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करेगा, वो आपसे हमेशा प्यार से बात करेगा, आपको कभी भी इग्नोर नहीं करेगा। तो आप सभी पर भगवान हरि की कृपा बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।